उट डिस्पैरिटी इन फील हाँ वो तो ही है you must be. या, या, वो तो बहुत ज्यादा है मतलब शर्मनाक तरीके से है बट uh, बिजनेस मतलब हो? कैसा होता है हीरो को सौ देंगे, को ठीक -ठीक लगा लेते हैं दस बीस नहीं पच्चीस तीन चार हीरो को सौ हीरोइन को तीन तीन चार हाँ। वो भी अगर तुम मतलब सीरियसली तुम्हारा कुछ तो हेडलाइनिंग uh, टाइप का काम हुआ हो तो इतना करो करो खूब बातें करो <laughs> और जहां तुम ना कह पाओ ना हमको बता देना हम बता देंगे <laughs> <laughs> उसके लिए सिर्फ मैं बाकी लोगों से जो जो ये बात मुझसे पूछते हैं आप जैसे जर्नलिस्ट या फिर जो जनता देखती है ये मैं कहती हूँ एक्चुअली में ना इसका इसका बहुत बड़ा हाथ इसमें बहुत बड़ा हाथ आप सबका है क्योंकि ये सिंपल मैथ्स है भाई आप आएंगे एक फीमेल की फिल्म देखने थिएटर के अंदर उसकी कलेक्शन होएगी कितना तो मजा आ कोई पैसे ना दे प्रिसाइसली तो ये सिर्फ इंडस्ट्री को गाली देने से नहीं होगा इंडस्ट्री में जो डिस्पैरिटी होती है वो पे के बियॉन्ड है जो था ना चाय से ज़्यादा गर्म केटली वो होती है कि अगर हीरो है तो वो हीरो डिमांड नहीं कर रहा कि मेरे आने के मेरे कॉल टाइम के आ, पहले हीरोइन तैयार होनी चाहिए बट द पैराफेनिलिया आर मालिक तो महान है चमचों से परेशान है हाँ मतलब वो उन्होंने ही ऐसा कोई कमांड नहीं बट सबको है कि अगर हीरो सेट पे आने से पहले हीरोइन तो मतलब रेडी एकदम शूट करने के लिए तैयार होनी चाहिए क्यों उसके टाइम की कदर नहीं है ये चीज मेरी मेरे को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगती है प्रोफेशनली जो लड़कियों के साथ काफी सेटस में ही होती है हर सेट पे अगर आपके आप आप जिस फिल्म में काम कर रहे हो उसमें आपके को एक्टर ने आपसे ज्यादा काम कर रखा है हीरो ने तो चाय से ज्यादा गर्म केटली का हिसाब होता है तो मैं तुम्हारे कुछ शुभ चिंतक ये भी बोलते होंगे की मत बोला कर ये सब इंटरव्यू में क्या करना है तुझे क्यों करेगी क्रांति कुछ ऐसे भी होते हैं ऑब्वियसली और जो कुछ कुछ इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं किसी का को, को टारगेट करके बोलती हूँ मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने किसी मैं ना

So that is why I don't think I'm a bitter person.